नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे संवर्धना एंड मदर सन्स के बारे में। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं, लेकिन ऐसे में दोस्तों कुछ इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो है कि ब्लाइंडली देख रहे हैं। ब्लाइंडली देखने का मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहता है कि ये स्टॉक लगभग अभी तक देखा है तो 60% के ऊपर ये स्टॉक डाउन है। आज की बात करें तो आज के दिन देखा जाए तो पूरा मार्केट ही जो कि डाउन में था, डाउन ट्रेंड में था, लेकिन हाँ सॉलिड देखा जाए दोस्तों तो आखिरी क्षण में मार्केट ने भी अच्छा खासा रिकवर किया है। ऐसे में अभी इस स्टॉक को दोस्तों बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। चलिए स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर। हम आ गए संवर्धना मदर सन्स इंटरनेशनल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात कर सकते तो आज के दिन 2% के आसपास ये कंपनी डाउन है। ऐसे हम देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन पूरा मार्केट ही जो कि प्रेशर में था, ये भी कंपनी शुरू से ही प्रेशर में थी, आखिरी क्षण में देखा जाए तो कुछ जो है कि रिकवर किया है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये स्टॉक लगभग 4% डाउन है। 1 महीने की बात करेंगे तो 1 महीने में भी ये स्टॉक लगभग 3% डाउन है। इसके पहले दोस्तों बताना चाहते हैं ये स्टॉक 75 के ऊपर 80 के आसपास जो है कि चल रहा था। 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में स्टॉक लगभग 12% डाउन है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में जो मतलब क्या है ब्लाइंडली देख रहे हैं, इस स्टॉक ने रिसेंट में ही जो है कि बोनस भी अनाउंसमेंट किया था, जो कि बोनस मतलब 2:1 का रहता है। मतलब इनका जो है कि 2 शेयर आपके पास रहेंगे तो 1 शेयर आपको मिल जाएंगे। ऐसे में देखेंगे तो जो कि आपको उसके बाद कुछ इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में ये स्टॉक लगभग 53% के आसपास डाउन है। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कुछ लोग इसको ब्लाइंडली देख रहे हैं, लेकिन हम आपसे बता देते हैं कि जो आपके पोर्टफोलियो में अभी ये कितने का है, 70 रुपये का ये स्टॉक हो गया। और दोस्तों 70 रुपये 60 रुपये के आसपास आपके पास यम सुम्मी वायर का भी स्टॉक है, तो देखा जाए तो वो भी इसी स्टॉक में से निकला हुआ है। तो देखा जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा मतलब इस स्टॉक में गिरावट नहीं है, फिर भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं, एक फ्लैट कारोबार आप इसको बोल सकते हैं। 10-15% बहुत ज़्यादा इस स्टॉक के लिए गिरावट नहीं कर सकते। 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 50% के आसपास कंपनी डाउन है। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं। मतलब दोस्तों आपको बताना चाहते हैं बहुत सारी ऑटो सेक्टर की ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों, ऑटो इंसिलरी कही, ऑटो सेक्टर कही, बहुत सारी कंपनियां जो है कि इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी बहुत बार जो है कि बोनस भी दे दिया है। कंपनी की बात करें तो इसका भी जो है कि बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है, ग्लोबल लेवल का बिजनेस है, जिसके कारण देखा तो इस समय बहुत सारी कंपनियां जो है कि स्ट्रगल कर रही है। अगर मैगजीन चार्ट पैटर्न की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 86,000-87,000% का रिटर्न बना के दिया है। यहां पे देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी का चार्ट वोलेटाइल के मामले में दोस्तों देखेंगे तो ये कंपनी शुरू से ही ऐसे ही वर्क करती है। मतलब आप यहां पे देख सकते हैं ये कंपनी यहां पे तेजी रहती है, फिर उसके बाद डाउन होती है, फिर तेजी आती है, फिर जो है कंपनी गिरावट दर्ज करती है। मतलब दोस्तों इस कंपनी में अप्स एंड डाउन, जब भी गिरावट होती है दोस्तों तो एक अच्छा खासा गिरावट भी हो जाता है। अगर इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी बहुत ही लॉन्ग टाइम से मार्केट में काम कर रही है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 47,000-50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हायर साइड की बात करें तो 170 रुपये का हाई है। न्यूज़ भी देख सकते हैं स्टॉक टू बाई। मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं कि इस समय जो है कि इस स्टॉक में भी काफ़ी ब्रोकर जो है कि बुलिश हैं। बुलिश होने का रीज़न दोस्तों आपको पता है कि 2023 के लिए अगर आपको कोई भी स्टॉक चाहिए ईवी में निवेश करने वाला, दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे मतलब क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड जो है कि दिन पे दिन जो है कि ग्रो ही होगा, अभी जो है कि स्लो नहीं होने वाला। संवर्धना इंटरनेशनल की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी 2% के आसपास डाउन है, जैसा कि हमने देख ही लिया। इस कंपनी की बात करें तो 52 वीक का हाई कंपनी का 12 जनवरी 2022 को जो कि 170 रुपये के आसपास है। 52 वीक की लो की बात करें तो 25 अक्टूबर 2022 को जो कि 61-62 के आसपास है। इस कंपनी में अगर हम वैल्यूम की बात करें तो इस स्टॉक में वैल्यूम भी अच्छा खासा बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी ट्रेड की बात करते 1,20,00,000 शेयर टोटल ट्रेड हुए, जिसमें अगर डिलीवर परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं लगभग 72 लाख शेयर टोटल। मतलब आपसे बता दें दोस्तों 72 लाख शेयर ओनली NSE पे माल जो है कि डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि 60% के आसपास निकल के आता है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात करें तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है, फिर भी देखा जाए तो इस कंपनी में इन्वेस्टर के साथ मीटिंग चालू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर डेट की बात करें तो 9 दिसंबर से लेकर के दोस्तों यहाँ पे 3 दिसंबर इसके पहले भी कंपनी में इन्वेस्टर के साथ जो है कि मीटिंग चालू। कंपनी जो है कि ऑटो पार्ट्स बनाती है, ऑटो सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी की बात करें तो इसका भी जो है कि मीडियम परफॉर्मेंस चल रहा है। कंपनी की बात करें तो 52 वीक हाई से ये कंपनी लगभग 60% के आसपास डाउन है। अगर वैल्यूम की बात करें दोस्तों तो NSE+BSE पे आप देख सकते हैं लगभग 15-16 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। स्टॉक में अगर वैल्यूम की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बनता है, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन अगर कुछ भी है मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से बोलना चाहता हूँ, इसमें देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज देखा दोस्तों तो यहाँ पे 16 मिलियन शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा है तो 10 मिलियन माल डिलीवरी में उठाया जाता है, जो कि 64% के आसपास निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट की बात करें तो 19 दिसंबर, इसके पहले की बात करें तो इसके पहले भी आप देख सकते हैं लगभग 16 दिसंबर की बात करें 16 दिसंबर को इसमें 13 मिलियन शेयर ट्रेड होते हैं, 56% माल डिलीवरी में उठाया जाता है। यहाँ 15 दिसंबर
नंबर की बात करें दोस्तों, तो फिर भी 60% लगभग 1 मिलियन मतलब 10 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 14 दिसंबर की बात करें तो 22 मिलियन 23 मिलियन शेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन मतलब आपसे बता चाहते हैं कि 70% माल डिलीवरी में उठाया जाता है दोस्तों। इस स्टॉक की बात करते इस स्टॉक में वैल्यूम भी अच्छा खासा बनता है और डिलीवरी परसेंटेज में माल भी अच्छा खासा उठाया जाता है। जो रिटेल दोस्तों फंसे हैं, सबसे पहला पॉजिटिव साइन आप इसको जो है कि नोट करके चलने के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। इस कंपनी के ऊपर हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बना दिया। इस कंपनी की बात कर सो तो आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की बात कर सो तो ये कंपनी का बिजनेस जो है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस कंपनी की बात कर सो तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 70 रुपये के आसपास करंट पर 40 का कंपनी का हाई है। यहाँ पे लो की बात कर लगभग 62 के आसपास है। पी की बात करें दोस्तों 60 का पी है, जो कि देखा तो वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा हाई है, लेकिन देखा दोस्तों तो ये कंपनी जो है कि मतलब सेक्टर में अपने लीडर है। बुक वैल्यू की बात करें 30 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी आरओई देखा जाए तो बहुत सारी ऑटो सेक्टर कंपनियां दोस्तों आपको पता है कि या तो वो माइनस में रहती है या तो जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों कई सालों से। ऐसा है जो कि 5 साल 4 साल से जो है कि ऑटो सेक्टर की बहुत सारी कंपनियाँ जो है कि स्ट्रगल कर रही है। एक का फेस वैल्यू है। कंपनी में अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला इनका कंप्यूटर जो है कि बोस है, उसके बाद देखा जाए तो संवर्धना मदरसन सुमी ही आता है दोस्तों। बताना चाहता है कि सेकेंड नंबर की कंपनी के चाहे फर्स्ट नंबर की, इसके पहले की बात करें तो ये कंपनी फर्स्ट नंबर पे आती थी। कंपनी की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके सेल्स में जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनके सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है। की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जंप है। कंपनी के पीएनएल की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पीएनएल देखा जाए सेल्स जो है कि ग्रोइंग मोड में है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अभी तक जो है कि ग्रोइंग मोड में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो नेट प्रॉफिट देखा जाए थोड़ा सा कंपनी ने क्या है कि डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से देखा जाए तो दोस्तों इस समय कंपनी के चार्ट भी जो है कि डाउन ट्रेंड में। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का बिजनेस भी देखा जाए तो ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है तो देखा जाए तो इनके पास सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट में ही बहुत है, मतलब 10% 8% बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का माइनस चल रहा है दोस्तों। ये कंपनी नहीं माइनस चल रही, इस समय देखा है तो बहुत ऑटो सेक्टर वाली कंपनियाँ जो है कि उनके गिरते हुए माहौल आपको देखने को मिलेंगे। अगर कंपनी के सीजीआर की बात करें तो सीजीआर भी देखा है तो कंपनी ने 1 साल 3 साल 5 साल में अभी तक नेगेटिव रिटर्न बना के दिया। लॉन्ग टाइम में 10 साल वालों के लिए देखा जाए तो 30% का माफ करना 13% का रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि डाउन ट्रेंड में है, देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स देखा जाए तो 20,000 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट की बात करें तो 14,000 करोड़ का डेट भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 68% का प्रमोटर के पास स्टेक आज भी है। देख सकते हैं आप जो कि कई क्वार्टर्स मतलब 3-4 क्वार्टर से प्रमोटर ने कुछ भी स्टेक को सेल नहीं किया है। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने माल को सेल तो किया है दोस्तों, कई क्वार्टर्स वो सेल भी कर रहे हैं लेकिन ऐसे में पूरी तरह से जो है कि एग्जिट नहीं ले रहे हैं। डीआईज की बात करें दोस्तों तो डीआईज भी आप देख सकते हैं कुछ ही सेल कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से वो भी जो है कि एग्जिट नहीं ले रहे। कुछ इसमें देखा है तो इस क्वार्टर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ऐसे में अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कि माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पब्लिक तो बाइक कर लेती है। छोटा प्राइस है दोस्तों, देखा जाए तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मेन उनका क्या है दोस्तों, पेशेंस देखा जाए नहीं रहता, जिसके कारण क्या है कि लॉस में किसी भी शेयर को सेल कर। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 60% डाउन दिख रहा है दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं आप इसको जो है ब्लाइंडली ना देखिए, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इस स्टॉक का प्राइस देखा जाए तो लगभग जो है कि 15 से 20% ये स्टॉक डाउन है, क्योंकि दोस्तों आपके पास देखा जाए तो मदरसन सुमी वायर का भी शेयर है, प्लस इसके जो है कि बोनस के भी शेयर सारे को जो है कि अगर आप मिला दोगे तो आपका जो प्राइस रहेगा दोस्तों वो जो है कि एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेस्टर अभी से स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कोई 60 रुपये के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक देखिए इस समय क्या है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस समय ऑटो सेक्टर की बात करें या ऑटो एंड सैलरीज की बात करें दोस्तों इस समय सारे जो है कि कंसोलिडेट कर रहे हैं या तो जो है कि वो माइनस में चल रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में भी थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। सेकेंड बात करें दोस्तों जो है कि ग्लोबल लेवल का कंपनी का बिजनेस है, तो इस समय जो है कि ग्लोबल लेवल में बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज है फेड से रिलेटेड, तमाम ऐसे जो है कि न्यूज़ कुछ ना कुछ जो है कि डेली बेसिस पे आती रहती है, जिससे रिलेटेड दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक के लिए भी थोड़ा सा क्या है कि नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। तो ऐसे दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाइंग के लिए आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है वही 60 रुपये के आसपास आ
सकता है। हर साइड की बात करें दोस्तों, जल्दी ये स्टॉक हो सकता है कि 100 रुपये के लेवल को टच कर सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, 100 रुपये जाएगा या नहीं जाएगा दोस्तों, आप चाहे तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे।